देखिए, हर एक कार्य में, किसी भी साधना में, किसी भी हवन में, किसी भी जाप और पूजा पाठ में, तप में, संकल्प महत्वपूर्ण होता है। सृष्टि का निर्माण भी संकल्प से ही हुआ, इच्छा मात्र से। और सृष्टि में कार्य भी जो होते हैं वो संकल्प से होते हैं। इसलिए आप क्या बोल रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी आप मांगते हैं, विश है, प्रार्थना है, मनोकामना है, वो सोच समझ के पहले डिसाइड कीजिए क्या मांगना है, फिर उसके बाद मांगिए। इंद्रासन की जगह निद्रासन मांगेंगे तो सोते रह जाएंगे। इसलिए संकल्प पे पहले विचार करना चाहिए। चाहे कितने भी प्रकांड पंडित हों, मेरे यकीन मानिए, ज़्यादातर लोग संकल्प में गलती कर सकते हैं। इसलिए संकल्प बोलने में अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियोस देखिए या कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि क्या संकल्प किस बारे में बोलना चाहिए, ताकि आप लोग गलती ना करें। संकल्प सात्विक होना चाहिए, सात्विक मनोकामनाओं की पूर्ति से रिगार्डिंग होना चाहिए, सात्विक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होना चाहिए। उसमें बुरी मनोकामनाएं नहीं बोलनी। अब जहां तक सतयुग के बारे में संकल्प बोलने की बात है, तो वो संकल्प मैं आपको पहले बता देता हूं कि कलि युग का संपूर्ण परिवर्तन सतयुग में हो। कलि युग का संपूर्ण परिवर्तन सतयुग में हो, ये संकल्प आपको बोलना है। और ये प्रार्थनाओं में भी बोलना है, हल्दी या चौक पाउडर उड़ाते हैं उसमें भी बोलना है, और मानस साधना अगर आप करते हैं, जो कि बेस्ट है, करनी चाहिए, उसमें भी बोलना है। मानस साधना का तरीका मैं रिपीट कर देता हूं। आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए या लेटिए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो उस समय। सीधे बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जब सीधे बैठते हैं तो हल्की सी गर्दन जो है इस तरह से सर पीछे कर सकते हैं, जो कि पोजीशन वाइज सही है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा जो है इस तरह से होता है, रीढ़ की हड्डी जो बनावट होती है। तो आपको अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। सांस अंदर लेते समय सी और छोड़ते समय ध की भावना करनी है, ऐसा इमेजिन करना। 5 बार कीजिए, वैसे 3 बार करना इनफ होता है, बट 5 बार कीजिए। सांस अंदर लेते समय आंख बंद करने के बाद सी और छोड़ते समय ध की भावना,